एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शनिवार को नगर निगम में स्थित आईटीएमएस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपीसीडी ने कंट्रोल रूम में कैमरे के माध्यम से विभिन्न चौराहों के ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके संबंध में एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि आईटीएमएस द्वारा पुलिस को एक बड़ी सुविधा मिली है, जिससे ट्रैफिक में काफी सुधार आया है और क्राइम भी काफी कंट्रोल में है। लेकिन विभिन्न चौराहों पर कुछ समस्या आ रही है, उन्हीं समस्याओं के निस्तारण के लिए प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाय लेन खाली रखने के लिए पूरे 21 चौराहों पर आईटीएमएस कंट्रोल रूम से बार बार अनाउंस करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, तो इसमें आपके पास कितने टाइम का वो रिकॉर्डिंग है? सर रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं उसको बता रहा हूं। जी जी, बेसिकली सर ये जो प्रोजेक्ट्स है एएनपीआरएलवीडी मींस ट्रैफिक के रिगार्डिंग है, तो सर जनरली क्या हुआ था, ये आरएपी में ये प्रावधान था कि जितने भी व्हीकल्स का ट्रांजेक्शन होगा शहर में से निकलने वाले व्हीकल्स का, उसका सिर्फ ट्रांजेक्शन आता है, लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। ये लेफ्ट लेन उनको रोक के उनका चालान किया जाए, अधिक से अधिक चालान होना चाहिए, जो भी चौराहों पे रेड कलर का टी शर्ट जो सबसे आगे बिना हेलमेट है आपका चालान किया जा रहा है कंट्रोल रूम के द्वारा। ये सबसे आगे जो है दीवान जी जो भी है देख लें, इनका इनका ग्रुप में फोटो खींच के भेजें, इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से अभी पीछे नहीं किए हैं, पीछे करिए, ये पीछे करिए, ये स्टाफ लाइन के आगे खड़े हैं, फोर व्हीलर पीछे करिए, और होने चाहिए अगर उसके आगे खड़े होंगे तो चालान कर दिया जाएगा, और पीछे करिए, जो भी जो लेफ्ट लेन को ब्लॉक करेंगे उनका भी, ये हरा कलर का टी शर्ट पहन के पीछे बैठे इनका चालान किया जा रहा है, इनके द्वारा लेफ्ट लेन ब्लॉक किया गया है इसलिए इनका चालान किया जा रहा है। तत्काल आप बाएं लेके चले जाइए, दो तीन जगह ले जाइए एक बार। टेस्टिंग होने जा रहे हैं, एयरपोर्ट अप्रोच से जो आ रहे हैं उसको 100 सेकंड्स दी गई है, एयरपोर्ट से जो आ रहे हैं वो सबसे, और एग्जिट को, एग्जिट को 50 सेकंड्स दिया, 55 सेकंड्स दिया गया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है, एंड फ्रॉम कोआबा फ्रॉम पेडलेगन 55 दिया है, उसमें लेफ्ट है फ्री है, ठीक है, एंड फ्रॉम द कोआबा अगेन इट इज 50, सो ये वैसे हमने कॉन्फिगर किया है। बेसिकली सर मोहदीपुर में हम अजयपुर लॉजिक उसमें डेवलप करने जा रहे हैं, जो कुडाघाट से जो आ रहा है वहाँ पे ट्रैफिक को थोड़ा और रुकाया जाएगा, ताकि क्या होता है सर जो एक साथ जितने भी फ्लोज आ रहे हैं वो इतना एक साथ तो मोदीपुर पे स्ट्रिक्ट ना करते हुए वो आए, और पेडलेगंज पे वो बेसिकली सिंक में नहीं था, तो पेडलेगंज को भी एक्टिव कर दिया, तो पेडलेगंज से जो फ्लो आ रहे, तो मीन्स मोदीपुर में अर्लियर क्या था सर सीनियर कि सारे जो फ्लोज थे वो डायरेक्ट
स्ट्राइक हो रहे थे। वैसे बूम बैरियर लगवा रहे हैं अभी, वो बूम नहीं वो वाले कौन से हैं उनको क्या कहते हैं, तो जो येलो कलर के होते हैं स्ट्राइप, सो दैट फ्री टर्न जो है करेक्ट इजी रहे, गाइड करते रहे कि यू हैव टू स्टैंड ओनली इन दिस लाइन, एक बहुत ही बेहतर सुविधा गोरखपुर पुलिस को मिल रही है, इससे ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है एवं काफ़ी क्राइम कंट्रोल में भी इससे मदद मिली है। लेकिन कुछ चौराहों पर किसी प्रकार की समस्याएं आती रही हैं, उन्हीं समस्याओं के निस्तारण के लिए आज जैसे फॉर एग्जांपल मोहदीपुर चौराहा है, उसमें ट्रैफिक का और बेहतर बनाने के लिए इस ITMS के सहयोग से कूड़ाघाट एवं अन्य एरियाओं से आने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बेहतर सुविधाएं बनाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा। जागरूकता के लिए 21 चौराहों पे यहाँ से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अखबारों में बताया जा रहा है और भी अन्य प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को लेफ्ट टर्न फ्री जो है उसकी कंसेप्ट जो समझ में आए। जिस भी तरीके से ट्रैफिक का सोल्यूशन होगा वो सारे प्रयास किए जाएंगे ताकि जनता को सहूलियत हो।